हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइडर अंकित गोयल। और आज हम जा रहे हैं यहाँ से द्वारा और जा रहे हैं अपनी राम प्यारी पे। तो यह है अपनी राम प्यारी जो मैंने 2012 में परचेज़ की थी, और जो मेरे नाम के आगे मैं लगाता हूँ राइडर अंकित गोयल। तो राइडर जो है मैं इसी को चला के ही बना हूँ। मैंने अपना लेह स्पीति नेपाल की जो राइडें हैं वो सारी इसी से मैंने की है अपने ब्रदरहुड बाइकर्स के साथ। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से द्वारा, और शाम का टाइम है तो वहीं पर जाके चाय और ऑमलेट वगैरह मैगी वगैरह बनाते हैं, और देहरादून के जो मौसम है उसका लुत्फ़ उठाते हैं। आज जो है मौसम भी थोड़ा सा बदला हुआ है, बादल हो रखे थे तो ठंडा भी काफ़ी है। तो चलते हैं हम अपना देहरादून की वादियों में। तो भाई साहब, आज चलते हैं अपने रामप्यारी में द्वारा, जो विलेज है वहाँ पर बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मालदेवता, और मालदेवता से रास्ता जाता है द्वारा के लिए। तो हमारे जो फ्रेंड हैं, बड़े भाई साहब हैं, तरुण कंटार जी हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो मिलते हैं वहाँ पर उनसे, और बैग हमारा फुल है, अंडे वगैरह रख लिए हमने, मैगी तरुण भाई ला रहे हैं, गैस ला रहे हैं, पैकिंग वगैरह सब कुछ रेडी है। तो अब सनसेट का व्यू जो है वो एंजॉय करते हुए हम कॉफ़ी और ऑमलेट का मज़ा लेंगे। और यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं तो जाएंगे सहस्त्रधारा के लिए, और हम जाएंगे यहाँ से राइट मालदेवता की साइड। तो ये एक रास्ता स्ट्रेट है जो नया बना था, और ये एक रास्ता ये गांव से होते हुए जाता है। तो अपन को तो यही वाला रास्ता पसंद है क्योंकि साइड में जो नहर बहती है। तो यहाँ से एक जो ये वाला रास्ता है ये जाता है महाराणा प्रताप चौक पे एयरपोर्ट की साइड, और ये जो हम जा रहे हैं ये आ गया है मालदेवता। पहुँच गए हैं मालदेवता, और यहाँ पर है दुकान मैगी जी की, और यहाँ से लिया है हमने मक्खन और दूध, और इस पर रखते हैं टैग बैग में, और फिर चलते हैं दोबारा गांव के लिए। ये सामने पैरा ग्लाइडिंग हो रही है। यहाँ से जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये यहाँ से जाता है गुट्टू के लिए सल्फर स्प्रिंग जो है, और यहाँ पर जो सॉन्ग बांध है वो भी बनने की तैयारी में है। और ये जो रास्ता है जो हम जा रहे हैं ये है द्वारा गांव, और यहाँ जो बीच बीच में यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर लड़के वगैरह आते हैं, ड्रिंक करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और बॉटल वगैरह जो है सबका पूरा साइड में। देखिए सामने ये देखिए, ये बियर पियर बॉटल इधर सारा कबाड़ा इधर ही फेंक रखा है। ये नहीं कि भैया गाड़ी में हो आप, इसमें हो तो अपने साथ एक गार्बेज बैग रखो और कूड़ा अपने साथ ले जाओ। रास्ते में इतने डस्टबिन वगैरह हैं, कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे। ये जो आगे रास्ता है थोड़ा सा आगे, ये द्वारा गांव है, द्वारा ही है, और ये शॉर्टकट रास्ता है, ये ऊपर जा रहा है, ये जाएगा जो सिमोली टाटो उसके लिए जो द्वारा गाँव में ही है। तो तरुण भाई वेट कर रहे हैं हमारा, और हमारी जो राम प्यारी है चलते हैं हम। अरे तरुण भाई धन्यवाद। ओए अच्छा, ऐसे भी करानी पड़ेगी बुलेट। जय श्री राम, चल मेरी राम प्यारी। पहुंच गए हम यहाँ पर। ये है व्यू पॉइंट, और यहाँ से जो पैराग्लाइडिंग है वो भी होती है। तो भाइयों पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर सिमोली टॉप जो द्वारा में है,
ये सामने है द्वारा गांव और ये हमारे तरुण भाई SZ में माल पानी लेके आ रहे हैं और ये सनसेट का सीन, क्या व्यू है भाई। यहाँ से हवा बढ़िया चल रही है और बाकी तो यहाँ पर लोगों की आदत है, इधर पानी की झाड़ियों में पानी की बोतल भी है, ग्लास भी है। हम तो अपने साथ में पॉलिथीन ला रखे हैं जिसमें हम सारा सामान इकट्ठा करके लेके जाएंगे भाई। चारों तरफ का व्यू जो है ना, मज़ेदार है भाई। अपने देहरादून से कितना 2 किलोमीटर दूर पड़ता है तरुण भाई ये टोटल? तरुण भाई के यहाँ से 22, मेरे यहाँ से कम 18 किलोमीटर करीब। तो एक तरफ रामप्यारी और एक तरफ FZ तरुण भाई की, और अब सामान निकालना स्टार्ट करते हैं। तो भी हम लाए हैं कप कॉफ़ी के लिए, मक्खन है, दूध है और मक्खन से ऑमलेट बनेगा, और ये है नेस्कैफे, ये हमारा छोटा सा गैस बर्नर और बंद है। अरे चीज़ भी है, आज हम चीज़ और सलामी वाला ऑमलेट खाने वाले हैं और प्याज टमाटर कटिंग स्टार्ट करते हैं अभी। कटिंग हो चुकी है पूरी और अभी तरुण भाई बना रहे हैं मैगी, आज बनेगी बटर मैगी। भाई कैसा लग रहा है मौसम? बेहतरीन, एकदम बढ़िया, जिंदगी के मज़े आ रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी खुश नसीबों को मिलती है जो देहरादून में रहते हैं। टाइम है और हम मैगी के गरम गरम मैगी और सामने सनसेट। मैगी के बाद अब हम बना रहे हैं ऑमलेट, मक्खन लगा लो अच्छी तरह भाई। ये है सलामी बंद ऑमलेट और ये बनाया है हमारे तरुण भाई ने। ये देखिए कुकिंग का काम हो चुका है और हम जो पॉलिथीन लाए थे इसमें जितना भी कूड़ा है ये डाल के हम साथ में लेके जाएंगे। अब हो रही है यहाँ पर बॉन फायर की तैयारी। ये देखिए साथ में तन भाई घर से लकड़ी वगैरह लाए थे और थोड़ा यहाँ से हमने कूड़ा इकट्ठा किया है जो अखबार वगैरह है, थोड़े से यहाँ लगाते हैं। धन्यवाद तन भाई। और यहाँ से व्यू काफी ठंडा हो चुका है, बॉन फायर के भी मजे ले लिए हैं। फोटो तो नहीं खींची भाई लोगो, दूध उबल चुका है। यस भाई लोगो, कॉफी। तो भाइयों यहाँ पर हम आए, हमने मैगी भी खाई, ऑमलेट भी खाया है और व्यू के मजे लिए हमने, थोड़ा सा डोमोडर का मौका भी मिला था। अब बॉन फायर भी करने के बाद अब हम चलेंगे यहाँ से वापिस अपने घर। तो भाइयों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।